मारू कहाँ चल गया? ठीक है, सबसे पहले तो गोरखपुर में मास म्यूजिक महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, स्वागत है आपका, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, और सब केहू के जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचा था, सब केहू के पैर छू के प्रणाम। हम गुंजन सिंह गोड़ लगा तनी प्रणाम करा तनी, हमारे गार्जियन हैं आप लोग, भगवान हैं, हमेशा ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज हम गोरखपुर में बानी और मार्स म्यूजिक महोत्सव में, जो कि विक्की यादव जी कराए हैं, बहुत प्यारा भाई है मेरा वो, और सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस सैड सॉन्ग के हमरा के मिलल बा अवार्ड भी, मोस्ट पॉपुलर सैड सॉन्ग गुंजन सिंह। तो सबके आशीर्वाद बा कि हम इस खातिर से सैड सॉन्ग गाते हैं कि जो लोग रात में सो नहीं पाते हैं बाबू, उनके लिए गाते हैं कि रात में दर्द के गीतों से लोगों का मन मोह लेते हैं। यह कला कैसे आया? अतः कि कहा जाता है कलाकार दर्द का मारा होता है, तो यह दर्द कहाँ से मिला गुंजन सिंह? दर्द मुझे अपने भाइयों से मिला है, और जब लोग रात में सो नहीं पाते हैं अच्छा से, मैं कई लोगों को देखा हूँ कि लोग दिल टूट गया, धोखा मिल गया, लड़की से ब्रेकअप हो गया, रो रहा है, रोज रो रहा है, सुतिए नहीं रहा है। तो हम ये सब गाना शुरू किए कि भाई लोग मेरा कम से कम सुन के सुत जाता है अच्छा से। कहीं जो आपके ऑडियंस है उनकी दुआ लगी और आपको आज अवार्ड मिला है। अरे सबका आशीर्वाद है, एक से एक गाना, जो भी गाना हम गौले बानी, सब मेरे दर्शक सबका आशीर्वाद है। और अभी वो गाना आयल हमार होली में, बहुत अच्छा चल रहा बा, अरे की ओकरा बिना फगुआ न मन भावे, अमाल हमर चल गईल मामा गावे। इसमें भी सैड है, हाँ इसमें भी दर्द है, दर्द है हाँ हाँ कि। और इस गाने को लिखे हैं श्री अखिलेश कश्यप जी, और हमारा छोटा भाई रोशन सिंह इसका म्यूजिक किया है, और आदि शक्ति फिल्म से रिलीज हुआ है मनोज मिश्रा जी के कंपनी से, जो कि हमारा बहुत सारा गाना एक कंपनी से आवा था, भाई समान है, और एकदम धमाका कर रहे हैं लोग। भाई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब तो बहुत अवार्ड होते रहे हैं, पहली बार एल्बम का जो अवार्ड हो रहा है और एल्बम के कलाकारों को एक मंच मिल रहा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छा है, पहला बार ये पहला कदम है, ये नरेंद्र मोदी टाइप का काम किया जा रहा है, हाँ तो बहुत अच्छा काम है, यूनिकॉर्न है। हाँ हाँ, और ये इसमें कोई अमित शाह जैसा आदमी कोई सलाहकार है जो कि इस तरह के काम को बता रहा है, तो ये अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, और हम सभी भोजपुरी कलाकार के लिए बढ़िया है कि एल्बम का ही पहला अवार्ड शो है। गुंजन जी आप एकदम आज धाकड़ मूड में लग रहा है, क्या बवाल करने वाले हैं गोरखपुर में? अरे एकदम बवाले बवाल है, अभी ये बवाल हो गई फिर हो ही हम तो दर्शक के भूखे हैं। हमारे साथ में अभी रंजीत भाई आए हैं, हमारे बड़े भाई मारू, सभी लोग, बहुत सारे लोग आए हैं, विकास, हाँ, और सभी लोग का साथ है, और हम सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं गोरखपुर में, और यहाँ के सांसद हमारे बड़े भैया रवि किशन जी हैं, अच्छा क्षेत्र है, तो हम लोग सभी साथ में हैं, और आज पूरा धमाल होगा। हाँ, आप गायक के साथ साथ नायक भी हैं, और कहीं ना कहीं युवा यूथ जो है आपको फॉलो करता है, तो कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं अभी? अभी आने वाली फिल्म है हमारा 9mm पिस्टल, मिस्टर नौटंकीबाज, किडनैप, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, और भी बहुत सारा पिक्चर है जो भी रनिंग में है, गौतम गोविंदा, अभी 10 तारीख से उसका शूटिंग भोपाल में होने जा रहा है, रवि सिन्हा जी का है, तो गाना भी है और फिल्म भी है, हम लोग का यही काम है कि दर्शक सबको जैसे नाचे गाएं, मेरा भाई सब खुश होना चाहिए, हमको जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन हाँ चेहरे पर हंसी चाहिए सभी का। दर्द में है जिनका दिल टूटा है, आप उनको उनके जख्म पे एक तरह से मरहम लगाने की कोशिश करते हैं अपने गीतों के माध्यम से, तो क्या हम यह जानना चाहते हैं कि गुंजन सिंह का भी दिल कभी टूटा है? दिल तो सबका टूटते रहता है, आजकल प्यार मोहब्बत में तो होखबे करेला ही, बाकी औसन कोनो बात नहीं के दर्द और करा कहीं ना कहीं इशारा करता है कि मोहब्बत में धोखा मिला है। गुंजन सिंह अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो प्यार मोहब्बत तो होते रहता है, लेकिन हम लोग काम पे फोकस कर रहे हैं अभी, हाँ टाइम नहीं मिल पा रहा है, काम से कुछ फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। जी जी जी। तो क्या बात है, दो लाइन आप अपने अंदाज में मेरे दर्शकों को सुना। हम कि तोरा बिना दुनिया बीरान लागे गोरी रे,
अजियत शरीरिया अजियत शरीरिया बेजान लागे गोरी रे हथोरा बिना दुनिया बीरान लागे गोरी रे। गुंजन जी आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही टूटे हुए दिल को जोड़ते रहेंगे। अरे भैया जय हो। गुंजन जी एक सवाल और है, एक सवाल है कि जो आपके फैन फॉलोअर हैं इतने जो आपके एकदम भी आप पहले बार आते हैं देखने के लिए पहली बार जो कास्ट यहाँ आया है और इतनी भीड़ पीछे से आ गई है जो सेल्फी लेने के लिए क्या कहेंगे दर्शकों? ये सब प्यार है, हम जानते हैं कि मुझे सभी लोग प्यार करते हैं और सबका आशीर्वाद मिलता है तभी आज गुंजन सिंह है यहाँ खड़ा हुआ, खड़ा है अड़ा है एकदम। वो मेरे भगवान हैं, मुझे ऐसा लगता है सबका आशीर्वाद मिलते रहता है और ऐसे मिलते रहे, अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा ये उमड़ेगा नहीं तो गुंजन सिंह फिर गुंजन सिंह नहीं रहेगा, ये आशीर्वाद है सबका, ऐसे ही बना रहे सबका आशीर्वाद। अच्छा अभी एक सवाल मैं पूछना भूल गया गुंजन जी, अभी हाल ही में भोजपुरी के सलमान खान कहे जाते हैं भुवन सिंह, आपने उनका बर्थडे विश किया था, वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, तो क्या इन फ्यूचर गुंजन सिंह भुवन सिंह के साथ आने वाले हैं फिल्मों में? हाँ जरूर, वो तो बड़े भाई हैं, भोजपुरी के किंग हैं भुवन सिंह, गार्जियन है, आज भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो कोई सीखा है अगर तो भुवन सिंह से सीखा है, वो गार्जियन है, ये कोई दो मत नहीं है, अगर लाखों कलाकार खड़ा होगा तो यही बात कहेगा कि हम भुवन सिंह को फॉलो किए हैं सीखे हैं, क्योंकि सीखने लायक हैं उनके पास, सभी अच्छे हैं लेकिन पवन जी हैं, वो गार्जियन हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं और वो मेरा जन्मदिन मनाए, हम भी उनका जन्मदिन मनाए, तो बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तो ये बड़े और छोटे भाई की जो जोड़ी है कब एक बार फिल्में पर्दे पर आएगी एक साथ? एकदम बहुत जल्द आने वाली है, अभी बातचीत हुआ था, हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, गाना भी कर रहे हैं सब लोग साथ में, और जो होगा अच्छा होगा सब। थैंक यू, सबके धन्यवाद।